हर्ष आज भी हर दिन की तरह अपने ऑफिस आया। सबको सजे धजे कपड़ों में देखकर उसे याद आया कि आज ऑफिस में ट्रेडिशन डे है। बिजी लाइफस्टाइल के कारण हर्ष भूल गया था कि आज उसे ट्रेडिशन कपड़े पहनने थे। हर्ष ने घबराकर सोचा, अगर मैडम को पता चला कि मैंने ट्रेडिशन कपड़े नहीं पहने हैं और सिंपल कपड़ों में आया हूँ तो मेरी नौकरी तो गई समझो। नए कपड़े लेने का टाइम भी नहीं था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी दोस्त नेहा ने हर्ष की हालत देखकर एक उपाय सुझाया। हर्ष, तुम्हारे पास नौकरी बचाने का एक ही ऑप्शन है। हर्ष ने नेहा की तरफ आशा भरी निगाहों से देखा। क्या करना होगा, नेहा बोली। हर्ष, तुम्हारी नौकरी अब एक परी ही बचा सकती है। हर्ष बोला, वो कैसे? मेरे पास परी का कॉस्ट्यूम है, मैं उसे पहने वाली थी लेकिन वो मुझे फिट नहीं हुआ, इसलिए मैंने दूसरा ड्रेस पहना है और मैं दुकान में रिटर्न करने लेकर आई हूँ। तुम इसे पहन लो और हम बॉस को समझा देंगे कि ये भी तुम्हारा फैंसी आउटफिट है। हर्ष को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा कि अगर यह उसकी नौकरी बचा सकता है तो वो तैयार हो गया। ठीक है नेहा, देखते हैं परी का जादू चलता है या नहीं। थोड़ी देर बाद हर्ष एक रूम में गया और परी का ड्रेस ट्राई करने लगा। जब हर्ष परी के रूप में ऑफिस में वापस आया तो उसके दोस्त उसे देखकर हैरान रह गए। सबने उसकी हिम्मत की दाद दी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो उसके बॉस को हुई। फिर मुस्कुराते हुए बोली, हर्ष तुमने आज जो किया वह सच में काबिले तारीफ है। तुमने नौकरी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो कदम उठाया। बॉस ने न केवल उसकी गलती माफ कर दी बल्कि उसे प्रमोशन भी दे दिया। सबने उसकी तारीफ की और हर्ष को एहसास हुआ कि सच में आज उसकी नौकरी बचाने वाली परी वो खुद ही था।